आपको पता है दोस्तों, इस कोरोना वायरस ने हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सिखाई है। चलो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस वायरस ने हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय ये सिखाई है कि हम जो भी काम करते हैं, अगर आज के डेट में हम उसे ऑनलाइन नहीं करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। यानी कि अगर आप कोई ऑफलाइन काम करते हो, जहाँ पर आप किसी शॉप में काम करते हो, या फिर आप अगर कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपका डेली ऑफिस जाना ज़रूरी है, आप घर बैठे काम नहीं कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप और फ़ोन से काम नहीं कर सकते हो, तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि ज़माना बदल रहा है, इंडिया डिजिटल हो रहा है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा सीखना चाहते हो इस कोरोना वायरस से, कि आप कौन सी एक टेक अवे है मेरी तरफ से जो इस कोरोना वायरस से ले सकते हो, वो यही है कि आपको आपका जो बिज़नेस है, आपको आपका जो काम है उसे ऑनलाइन ले जाना चाहिए, या फिर कोशिश करना चाहिए कि कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके घर में एटलीस्ट खाने के तो पैसे आए। क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे घर में ऐसा हो गया है कि इस कोरोना वायरस ने 3 से 4 महीने तक इसका जो इफ़ेक्ट दे रहा है, इस वजह से लोगों के घर में कमाई नहीं आ रही है और लोगों के घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो जितने भी लोग ऑफलाइन काम करते हैं, जो लोग पेंटिंग करते हैं, जो लोग दूसरों के घरों में बर्तन धोते हैं, जो लोग ऑफिस का काम करते हैं लेकिन फिर भी वो लैपटॉप और कंप्यूटर से काम नहीं कर पा रहे, तो आज उनके सामने एक क्वेश्चन है कि क्या आप ऐसा काम कर रहे हो जो आप ऑनलाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको डेली डेली ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होता है तो क्या आप आने वाले टाइम में कोरोना वायरस से सीख लोगे, या आप उसी पुराने ढर्रे से अपना बिजनेस और अपना काम करोगे। तो एक ऐसा क्वेश्चन कोरोना वायरस ने लोगों के सामने लेके आ गया है, जिसके बाद लोगों को सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि बिना ऑनलाइन जाए वो अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो इंडिया है वो डिजिटल हो रहा है। और अगर इस डिजिटल रेवोल्यूशन का अगर आप पार्ट नहीं बनोगे तो आप सिर्फ इस डिजिटल रेवोल्यूशन को कंज्यूम करोगे एज अ कस्टमर बनकर। कभी भी आप इसमें ओनर नहीं बन पाओगे, कभी भी आप इसके बेनिफिट नहीं ले पाओगे, आप सिर्फ इसमें एज अ कंज्यूमर की तरह बिहेव करते रह जाओगे। और आप कभी भी इस डिजिटल रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा करके अपनी और लोगों की ज़िंदगी को नहीं बदल पाओगे। तो अगर आप कोरोना वायरस से कोई भी एक चीज़ सीखना चाहते हो तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ज़िंदगी में कभी भी कंफर्टेबल मत होइए, ज़िंदगी में कभी भी चीज़ों को ग्रांटेडली मत लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को ग्रांटेडली ले लेते हो, ग्रांटेड समझ लेते हो, और फिर कुछ ऐसा होता है जो आपकी पूरी की पूरी आँखें खोल के रख देता है। तो ऐसी ही चीज़ें हुई है कोरोना वायरस से पहले, हम सभी ने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा और आज ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोरोना वायरस से कुछ भी एक टेक अवे ले सकते हो अपनी ज़िंदगी में, तो यही लीजिए कि आपको आपका काम, आपका बिजनेस या फिर आपका जो भी काम है उसे ऑनलाइन ले जाने के लिए ट्राई कीजिए। और जो लोग ऑनलाइन काम नहीं करते, जो लोग लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे काम नहीं करते, फ़ोन से काम नहीं करते, वो कोशिश कीजिए कि अपने स्किल सेट इतनी अच्छी कर लीजिए कि आप भी ऑनलाइन काम करने के लिए ट्राई कीजिए। क्योंकि ज़माना बदल रहा है दोस्तों, अगर आज आप नहीं चेंज करोगे तो आने वाले टाइम में जब आपको दुनिया चेंज कराएगी तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो सबसे पहले खुद ही चेंज हो जाइए सो दैट आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं सहन करनी पड़े। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सोशल मीडिया की। जय हिंद, वंदे मातरम।